जैसा कि कुछ सवाल आपके सामने भी आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप, कुछ सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि दिए गए सवाल का जो है डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। सवाल आप देख सकते हैं, ये सवाल आपसे 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ये भी सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और इसी के आधार पर जो है कुछ सवाल हमने यहाँ पर अपने तरीके से लिखा है, ठीक है। ये तीन सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बाकी ये सवाल जो है हमने अपने मन से लिखा है, और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका जो है टाइप वन है, और यहाँ पर आपको टाइप टू का सवाल आपको दिख रहा है, और सबका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको विद इन वन सेकेंड क्या, जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछेगा ना, जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा, इसका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा, इसका भी जीरो के बराबर, इसका भी जीरो के बराबर, इसका भी जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन जीरो के बराबर, इसका भी इंटीग्रेशन जीरो के बराबर, इसका भी इंटीग्रेशन जीरो के बराबर, ठीक है। आश्चर्य कर रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होगा, आप रट के आए हैं? नहीं, यह आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, आज हम आपको इसका ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। और मूल रूप से जो ये सवाल आपका है, समझ लीजिए ये लिमिट वाला सवाल है, तो सबसे पहले आपको लिमिट की जानकारी होना चाहिए। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में ये जीरो कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे, और ये जो आपका टाइप वन और टाइप टू है, इस दोनों के लिमिट का मान कैसे निकालेंगे वो भी उसका शॉर्टकट तरीका बताने वाले, ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यदि इस तरीके का सवाल पूछ दिया जाए तो आप उसका सवाल विद इन वन सेकेंड, चाहे वो लिमिट पूछे चाहे इसका डिफरेंशिएशन तो आप जीरो ही लिखेगा हमेशा, लेकिन जब लिमिट पूछेगा तो सिर्फ एक सेकेंड में इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। आइए शुरुआत करते हैं। तो हिका बतलाई हो, कितना समझाई हो, होके जुदा तुझसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गईल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गईल। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और आज बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने है। पहले आप सवाल को देखिए, ठीक है। ये सवाल आपसे 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और ये भी सवाल आपके 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अब आप देखेंगे तो ये सवाल मुख्यतः डिफरेंशिएशन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल मुख्यतः डिफरेंशिएशन में आपसे पूछा गया है। सवाल क्या है थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि डी लिमिट एक्सटेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस ए, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले आप लिमिट के बारे में ठीक से जानते नहीं है, क्योंकि आपको लिमिट के बारे में 11वीं में पढ़ना है, ठीक है। लिमिट के बारे में आपको 11वीं में पढ़ना है, और यहां पर उसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लिमिट की जानकारी होगी, तब जाकर आप इस सवाल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम छोड़ दिए इस सवाल को। काहे छोड़ दिए भाई, ठीक है। और अब आप जान लीजिए कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पैटर्न लागू होता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल का पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये तो एक ही पैटर्न का टोटल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए ना, एक ही पैटर्न का ये टोटल क्वेश्चन है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इसके पैटर्न को चेंज करके, मान लीजिए कि आप इसके पैटर्न को याद कर लिए होंगे या रट लिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन यदि पैटर्न चेंज करके आपको सवाल पूछ देगा तो आप उन सवालों का आंसर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, उसका ट्रिक क्या होने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो सेशन में आपको पूरा कंप्लीट समझाने वाले हैं, ठीक है। आपको इतना ही सिर्फ करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, और अंत तक देखने के बाद आपको यहां से सीख कर जाना है कि यदि लिमिट से संबंधित कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप उस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, इसकी जिम्मेवारी पूरा का पूरा हम लेंगे, ठीक है। और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, यानी आपको बताने वाले हैं इसका शॉर्ट ट्रिक आज, और वैसा शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। यहां तो सबका डिफरेंशिएशन पूछा है ना, यदि डिफरेंशिएशन ना पूछता,
यदि इसको हटा दिया जाए, ठीक है, और तब यदि आपको पूछता कि बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, उस समय आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ये सवाल 2021-2018 में पूछा है, तो हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन आप जो है मालूम हो गया होगा आपको, लेकिन आप इस सवाल का लिमिट आप कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होगा। केवल एक ही ये क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके का और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लिमिट का, जिसको आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले हम इसी टाइप के लिमिट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको पहले इसका लिमिट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यदि आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि लिमिट, गौर कीजिएगा, एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर में, गौर कीजिएगा इधर, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस ए, ठीक है बाबू, एक बार और ठीक से देख लीजिए सवाल के टाइप को, एक बार और ठीक से देख लीजिएगा, क्या है ठीक से समझिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी जो यहां पर ए के जगह पर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ए के जगह पर, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब जो यहां रहेगा वही आपको यहां दिखना चाहिए, ठीक है, यहां देखिए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, और जो यहां दिखेगा वही आपको यहां दिखना चाहिए। पावर में हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम संख्या होना चाहिए, ठीक है, और यदि इस टाइप का कोई भी सवाल लिमिट लगकर आ जाए तो उसका आंसर जो है आप विद इन वन सेकेंड कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड में इसका लिमिट का मान कैसे निकालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। करना क्या है बाबू, गौर कीजिएगा, ये जो पावर आपको दिख रहा है ना, ये पावर, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे बउआ, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, जो कांस्टेंट यहां पर रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, इसका लिमिट का मान निकल गया। जैसे ही पावर में से एक कम करेंगे इसके लिमिट का मान निकल गया ना। चलिए अब आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स टेंस टू वन, देखिएगा एक्स के पावर पांच माइनस एक के पावर पांच बटा में एक्स माइनस एक, अब बताइए इसके लिमिट का मान क्या होगा, अभी डिफरेंशिएशन नहीं, इसके लिमिट का मान कितना होगा, क्या बोले हैं आपको ध्यान से सुनिएगा, जितना पावर में आपको दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, पावर वाला को आगू में लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बस कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से एक कम कर लेंगे, तो पांच में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, चार, यानी हो जाएगा पांच इंटू एक के पावर चार कितना होता है एक, अब पांच को एक से गुना करेंगे तो पांच के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, पांच के बराबर। देखिए एक और क्वेश्चन, लिमिट कितना आसानी से सवाल बनेगा, देखिएगा एक्स टेंस टू टू, एक्स के पावर आठ माइनस दो के पावर आठ बटा में एक्स माइनस टू, देख लीजिए सवाल का टाइप, जो बोले थे कि जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, वही यहां रहेगा, ठीक है बाबू, पावर में सेम टू सेम होगा, आइए देखिए एक्स माइनस टू ऊपर में भी है, एक्स माइनस टू नीचे में भी है, ठीक है, अब यदि आपसे कहे कि इसके लिमिट का मान कितना के बराबर होगा, वेरी सिंपल, जितना पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, जितना पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, इसके बाद जो कॉन्स्टेंट आपको दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से एक कम कर लेंगे, तो आठ में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, सात के बराबर, यानी हो जाएगा आठ, आठ को क्या लिख सकते हैं बाबू, आठ को लिख सकते हैं दो के पावर तीन इंटू दो के पावर सात,
दोनों का आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, यानी इसका हो जाएगा 2 के पावर 10। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 10 के बराबर। तो अब कोई भी सवाल, जैसे आपके पास जो सवाल है इसका तो आंसर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए इसके लिमिट का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब जैसे इसका देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 5 के बराबर, इसका देखेंगे तो कितना है 2 के पावर 10 के बराबर। तो इस तरीके का कोई भी सवाल यदि अब आपसे पूछा जाएगा और आपको कहे कि इसका लिमिट का मान निकालिए, डिफरेंशिएशन नहीं, आपके एक्सरसाइज में आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसका लिमिट का मान निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि जब तक आप लिमिट का मान नहीं निकालना सीखेंगे तब तक उसका डिफरेंशिएशन कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएशन बना सकते हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले आपको लिमिट का मान निकालने आना चाहिए। आशा करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन का लिमिट का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है। अब आप एक चीज गौर करके देखिए कि जितना भी यहां पर लिमिट का वैल्यू निकल के आ रहा है सबके सब लिमिट का वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है। ये भी कांस्टेंट है, पावर में कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहां भी कांस्टेंट होगा और पावर में भी आपका कांस्टेंट होगा, तो जो मान निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट है। यहां देखिए कांस्टेंट मान निकल के आ रहा है, यहां देखिए कांस्टेंट मान निकल के आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन का लिमिट का मान निकालेंगे तो उसका लिमिट का मान जो होगा हमेशा कांस्टेंट के बराबर निकलेगा। ठीक है, हमेशा कैसा निकलेगा, कांस्टेंट के बराबर, और आपको कहेगा कि उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो सुन लीजिएगा जब भी कोई सवाल लिमिट वाला रहे, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान हमेशा कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, अभी डिफरेंशिएशन नहीं, इसका मान, तो मान निकालने के लिए क्या है, यहां पर पावर में कुछ नहीं है तो एन है, यानी इसका हो जाएगा जो पावर में है उसको ज्यों का त्यों, कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से एक कम कर लेंगे। तो बताइए कि ये जो मान निकल कर आया है लिमिट का कांस्टेंट है, अब बताइए कि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर। हो तो गया आंसर। अब मान लीजिए कि ये सवाल आपका है, यदि इसका मान आपको निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर 5 को ज्यों का त्यों, ठीक है, कांस्टेंट है उसको ज्यों का त्यों, अब पावर में से एक कम कर लेंगे तो कितना हो गया, 5 into a के पावर 4, इसके लिमिट का मान है। और यदि इसके लिमिट वाले मान का डिफरेंशिएशन हम कर दे, यदि इस लिमिट वाले वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर दे, तो अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो आज आपको एक बात याद रखना है बाबू, ठीक है, कि यदि कोई भी सवाल लिमिट लगकर आ जाए, यदि कोई भी सवाल लिमिट लगकर आ जाए इस टाइप का आपको पता चल गया होगा, आप देखते ही सवाल को पहचान लेंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें यदि लिमिट लगा हुआ हो और उसका डिफरेंशिएशन आपको निकालने के लिए कहे, तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन यदि आपको कहे कि उसका लिमिट का मान निकालना है, माने उसमें से डिफरेंशिएशन हटा दे, पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन हटा दे, तो ऐसे सवाल का मान निकालने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसका प्रयोग करना है। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिएगा, जो आपको होल पावर में दिखेगा उसको ज्यों का त्यों रखना है, कॉन्स्टेंट को ज्यों का त्यों रखना है, अब पावर में से एक कम कर लेना है, बस ये लिमिट का मान है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर और लिमिट का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। क्या आपके बोर्ड एग्जाम में केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं, और भी कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज बारी बारी से हम उन सारे टाइप को क्लियर करने वाले हैं। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था, इसलिए आपके लिए पहले ये लेकर आ गए। और भी बहुत सारे टाइप है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और अब मान लीजिए कि इस पर तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन कुछ टाइप अब हम आपको बताने वाले हैं जो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि ये पूछा है तो चेंज करके यदि दूसरा टाइप पूछेगा तब तो गड़बड़ा जाएगा ना उस समय। इसलिए आइए 2-3 टाइप का प्रश्न है वो सारा का सारा अभी हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं, ये जो है इसका टाइप टू है। टाइप टू में अब क्वेश्चन का टाइप देखिएगा, टाइप चेंज कर दिया हम। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था और ये जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। देखिएगा क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स के पावर फाइव माइनस टू के पावर फाइव बटा में एक्स के पावर थ्री माइनस टू के पावर थ्री। लिमिट एक्स टेंस टू फाइव, एक्स के पावर दस माइनस थ्री के पावर दस, एक्स के पावर पांच माइनस तीन के पावर पांच। लिमिट एक्सटेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एम। अब इसका लिमिट का मान क्या होगा या फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले लिमिट का मान निकालना सीख लेते हैं फिर इसका डिफरेंशिएशन आपको बता देंगे। अभी आपको लिमिट का मान निकालना सिखाते हैं कि यदि ऐसा फंक्शन आ जाए तो अब आप इस फंक्शन का लिमिट का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक आप लिमिट का मान नहीं निकालना सीखेंगे आप डिफरेंशिएशन में गलती करेंगे या फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक ना, चलिए देखिए, आइए ध्यान से देखते हैं इधर कि यहां देखिए जो यहां पर आपको दिखेगा वही आपको यहां पर दिखेगा, वही आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, हाँ, ऊपर वाला का पावर सेम होगा और नीचे वाला का पावर सेम होगा। ठीक है, ऊपर जो ऊपर में है वही नीचे में है, केवल ऊपर वाला का पावर अलग है और नीचे वाला का पावर क्या है, अलग है। बट ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों जो है जो ऊपर में है वही नीचे में है और जो यहां पर आपको कांस्टेंट दिख रहा है वही कांस्टेंट आपको यहां पर दिखेगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी यहां पर मिस्टेक है, यहां पर थ्री होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर एक्स टेंस टू थ्री कितना हो गया आपका, एक्स के पावर दस तीन के पावर दस, एक्स के पावर पांच तीन के पावर पांच, यानी जो यहां पर है वही आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, इसका पावर दोनों का ऊपर वाला का सेम है और नीचे वाला दोनों का पावर क्या है, सेम है। ठीक है बाबू, चले ध्यान से देखिए इधर सेम नीचे देख सकते हैं आप कि जो यहां है वही आपको यहां दिख रहा है, वही यहां दिख रहा है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम टू सेम है, ऊपर वाला का पावर सेम है, नीचे वाला का पावर क्या है, सेम है। बस यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे और कहे कि इसका लिमिट का मान निकालिए या इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, पहले आपको लिमिट का मान निकालना सिखाते हैं। करना क्या है गौर से देखिएगा, ऊपर वाला पावर को ऊपरे में रखना है और नीचे वाला पावर को नीचे में रखना है। फिर से समझिए, ऊपर वाला पावर को ऊपर में रखना है, नीचे वाला पावर को नीचा में रखना है, ऊपर वाला पावर को ऊपर में, नीचे वाला पावर को नीचे में। और जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला कांस्टेंट, इसको ज्यों का त्यों रखना है, कांस्टेंट को ज्यों का त्यों रखना है और ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को घटा देना है। तब पांच है ऊपर में पावर और तीन है नीचे में, तब पांच में से तीन घटेगा कितना हो जाएगा, दो के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा दो के पावर दो यानी चार, और चार को पांच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पांच चौके बीस बटा में तीन, इसका आंसर हो जाएगा बीस बटा तीन के बराबर, यानी इसका जो लिमिट का मान होगा वो होगा बीस बटा तीन के बराबर। अब आइए, अब जो आपका है ये दूसरा सवाल, अब इसका आंसर कैसे बनाना है, जैसे इसको बनाया सेम उसी तरीके से। देखिए क्या है, जो आपको यहां पर दिख रहा है, गौर कीजिएगा, जो आपको यहां पर दिख रहा है कांस्टेंट वही आपको यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है, यहां तीन है, यहां भी तीन है, नीचे भी आपको तीन दिख रहा है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए x माइनस तीन यहां भी है, x माइनस तीन यहां भी है, इसके पावर में दस है, यहां भी दस है, यहां पांच है, यहां भी पांच है, यही तो आपको बताए। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसका मान निकालने के लिए, ऊपर वाला को ऊपर में रखना है और नीचे वाला पावर को बटा में रखना है, ऊपर वाला पावर को ऊपर में रखना है, नीचे वाला पावर को बटा में रखना है। इसके बाद जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ये वाला कांस्टेंट, ठीक है, पावर के जो आधार में कांस्टेंट है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, तीन को ज्यों का त्यों लिखना है। अब ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को घटा देना है, दस में से पांच घट गया तो कितना हो जाएगा, पांच के बराबर ना, यानी ये तो कट जाएगा दो बार ना, चलिए टू इंटू, अब तीन के पावर पांच कितना होता है, तीन तीय नौ तीय सत्ताईस, तीन तीय नौ तीय सत्ताईस, तीय इक्यासी तीय दो सौ तैतालीस, यानी ये हो जाएगा आपका 243 के बराबर और जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 486 के बराबर। यानी इसके लिमिट का जो मान होगा, ये जो प्रश्न आपका है इस प्रश्न के लिमिट का जो मान होगा उसका मान होगा आपका 486 के बराबर। तो अब इसका मान 486 हो गया। अब आप आइए इसको देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला प्रश्न आपका क्या है, सवाल है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स के पावर एन। अच्छा थोड़ा सा ये कचरा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के फिर से ये सवाल लिख देते हैं। सवाल आपका है कि एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में
एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एम, ठीक है बाबू। अब आपका पूछ रहा है कि इसके लिमिट का मान क्या होगा। अभी डिफ्रेंसिएशन के लिए घबराइएगा नहीं, या बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। इसका ही नहीं, अब कोई भी सवाल यदि ऐसा लिमिट वाला आ जाए तो उसके डिफरेंसिएशन का मान उतना ही होगा। आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, बेहिचक बेझिझक कुछ भी पूछे आंसर वही लिखना है, आपको आसानी से सवाल बन जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए, तो क्या करना है, ऊपर वाला पावर को ऊपर में रखना है, नीचे वाला को कहां रखना है, बटा में रखना है, ठीक है। ऊपर वाला को ऊपर में रखना है, नीचे वाले पावर को बटा में रखना है। ये जो आपको कॉन्स्टेंट दिख रहा है, इस कॉन्स्टेंट को ज्यों का त्यों लिखना है, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला को घटा देना है, यानी n माइनस m के बराबर। अब आप देखिए कि सबका मान आपके सामने है लिमिट का। यदि आपको कहे कि इसके लिमिट का डिफरेंसिएशन, तो लिमिट का मान तो 20 बटा 3 है। अब बताइए ना, 20 बटा 3 का डिफरेंसिएशन कितना होगा, 0 के बराबर, ठीक है। 20 बटा 3 का डिफरेंसिएशन 0 के बराबर। आपसे पूछे कि इसके लिमिट का डिफरेंसिएशन, यानी इसका डिफरेंसिएशन, तो इसका मान तो 486 है। 486 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 0 के बराबर। यदि इसका पूछे कि मान कितना होगा, कॉन्स्टेंट है, 0 के बराबर। यानी इस तरीके का कोई भी सवाल यदि आपको दे दे और आपसे पूछे कि इसका डिफरेंसिएशन कितना होगा, तो आप हमेशा 0 के बराबर लिखेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि इसके लिमिट का मान कितना होगा, तो आपको थोड़ा सा ये वाला जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है अपनाना पड़ेगा और ऐसे सवाल को गर्दा उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। आशा करते हैं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपको ये दो टाइप बताए हैं, और भी इसके 3-4 टाइप बच गया है। यदि आप लोग को ये टाइप, इसका 3-4 टाइप और चाहिए जो बच गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसा लगा, ठीक है, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।